सीएम नायब सैनी आज अपना कार्यभार संभालने वाले हैं। सीएम सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री भी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मंत्रियों के विभागों का आज ही आवंटन होगा, बंटवारा होगा। सभी मंत्रियों को आज उनके पोर्टफोलियो अलॉट कर दिए जाएंगे। किसे क्या मिलेगा, इसको लेकर चर्चाएं लगातार चल रही है। सभी मंत्रियों को आज पोर्टफोलियो अलॉट किए जाएंगे। अच्छा अनिल, आप बता रहे थे कि सीनियरिटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि तमाम जो पोर्टफोलियो हैं वो दिए जा सकते हैं, कुल मिलाकर यही माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ नए चेहरे भी हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, उनके लिहाज से क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल देखिए, जब भी आवंटन होता है मंत्रालयों का, उसमें कहीं ना कहीं जो एक मंत्री है उसकी सीनियोरिटी देखी जाती है। इसके अलावा उसका जो अनुभव किस फील्ड का है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है, तो उस नाते कहीं ना कहीं आवंटन किया जाता है। अनिल विज सबसे सीनियर मंत्री है, उस नाते उनको जो महत्वपूर्ण महकमे हैं उसके उनको दिए जाएंगे उन, और इसके अलावा कृष्णलाल पवार उनके बाद आते प्रोटोकॉल में उनको भी जो बड़े मंत्रालय वो दिए जा सकते हैं। अगर नए मंत्रियों की आपने बात की, नए मंत्रियों की बात करें, हम गौरव गौतम की बात करें, नए मंत्री बने हैं, युवा है, पहली बार जीत कर आए हैं, तो युवा के नाते उनको युवा और खेल मंत्रालय दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें राजेश नागर की, राजेश नागर दूसरी बार के विधायक है, पहली बार मंत्री बने हैं, वो स्वतंत्र प्रभार है उनके पास भी, गौरव गौतम के पास भी स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री, और राजेश नागर के पास भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उनको लेकर संभावना है कि उनको या तो फूड सप्लाई महकमा दिया जा सकता है या टूरिज्म को दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बाकी मंत्रियों की बात करें, रणवीर गंगवा को भी कोई महत्वपूर्ण महकमा दिया जाएगा, वहीं महिपाल डांडा को लेकर संभावना है कि उनको पंचायत या कृषि महकमा दिया जा सकता है। इसके अलावा आरती राव या श्रुति चौधरी को लेकर देखना होगा कि उनको कौन से मंत्रालय दिए जाते हैं। इन दोनों की अगर बात करें, इनमें से एक को महिला बाल विकास मंत्रालय दिया जा सकता है और जो दूसरे मंत्री हैं उनमें से एक को सिंचाई विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि जो दोनों मंत्री दक्षिण हरियाणा से आते हैं, दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी रहती है, तो उस नाते इरीगेशन विभाग इनको दिया जा सकता है। वहीं अगर विपुल गोयल की बात करें, विपुल गोयल को लेकर चर्चा है कि इनको इंडस्ट्री या यूएलबी में से कोई विभाग दिया जा सकता है। वहीं वित्त डिपार्टमेंट काफ़ी अहम है, वित्त विभाग को लेकर चर्चा है कि वित्त विभाग डॉक्टर अरविंद शर्मा को दिया जा सकता है। देखने वाली बात है कि वित्त विभाग मुख्यमंत्री खुद रखेंगे, अरविंद शर्मा या किसी दूसरे नेता को देंगे। बिल्कुल, ये देखना होगा कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलती है। बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई अनिल।